अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे दुनिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव की तरह मनाया गया। इस दौरान हजारों महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया है और समाज में उनके योगदान की भी जमकर तारीफ की गई है। छत्तीसगढ़ में भी महिला कांग्रेस द्वारा जो है पार्टी मुख्यालय में महिला दिवस पे आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की एकमात्र महिला सांसद ज्योत्सना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। वहीं इस अवसर पे हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कांग्रेस भवन राजीव भवन जो है कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला लोकसभा सांसद ज्योत्सना महान जी हमारे साथ में है और देखिए आप ये पूरी घिरी हुई है महिलाओं के साथ में, वहां तक पहुंचना काफी टाइम वाला वक्त है लेकिन मैं वहां पर सीधे पहुंचता हूं। और सांसद जी हमारे साथ में है, आप आई हुई है कार्यक्रम आयोजित है महिला दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी मेरी महिलाओं जो प्रदेश की हैं, महिला कांग्रेस और भी जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और महिलाओं को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम सब महिलाएं मिलकर क्या नहीं कर सकते, इसको याद करके एक अच्छा देश बनाए, एक अच्छा प्रदेश बनाए और महिलाएं समाज को इतना अच्छा बनाए कि सारी बुराइयां हम लोग सब दूर कर दें। ये आज इस महिला दिवस पे हम लोग सौगंध खाएं कि हम लोगों को सभी महिलाओं को आगे बढ़ाना है और सभी महिलाओं के द्वारा ये समाज को अच्छा बनाना है। धन्यवाद। जैसा कि आज देखा जाए राजधानी में एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, पुलिस स्टेशन से लेकर के हर जगह पर आज महिलाओं ने कमान संभाली हुई है। ये सिलसिला लगातार चलता है, हर रोज होता है लेकिन आज विशेष तौर पर एक दिवस बनाया गया जिसपे है, आप इसके लिए विशेष तौर पर उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो लोग कामकाजी नहीं है, घरेलू है और उनको किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक महिला होने के नाते महिलाएं अपने जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें या मुश्किलों का सामना करती हैं ये मैं एक नारी होने के नाते समझ सकती हूँ। कामकाजी महिलाएं तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाती ही हैं लेकिन घरेलू महिलाएं भी कभी कम नहीं हैं, किसी से भी कम नहीं हैं, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष का भविष्य है वो बच्चे हैं और हम अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छे से बनाते हैं क्योंकि नींव ही नारी है और नारी को कहना चाहिए कि ईश्वर के बाद नारी का ही, क्योंकि वो नारी अपने ही जैसा एक जीव जब धरती पर ला सकती है तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली महिला कोई हो ही नहीं सकती। और यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कामकाजी महिलाओं के अलावा जो घरेलू महिलाएं हैं वो अपने आप को कभी कम ना समझें क्योंकि उनके कंधे पर हम सब कामकाजी महिलाओं से ज़्यादा जवाबदारी है एक समाज को बनाने के लिए। धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला सांसद ज्योत्सना जी हमारे साथ में थी और महिला दिवस पर एक कार्यक्रम में आयोजित जो कार्यक्रम था राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ शामिल होने आई थी और जिस तरीके से राजधानी में आज के दिन पर महिलाओं ने कमान संभाल के रखी है ये कोई नई बात नहीं है, ये रोजाना की बात है। थानों से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे जिस भी विषय पर बात करें, हर जगह महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर ही नहीं, पुरुषों से ज़्यादा है। रायपुर से दीपक के साथ JK News 24 NDU 7 के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।